आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी रहने वाली है। सब एजेंसी अपनी बात से पलट क्यों रही हैं, रफ्तार क्या होगी, दिक्कत कहाँ होगी, आरबीआई ने क्या कहा है, आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का आर्थिक मामलों का रोजाना का शो खर्चा पानी। कई वित्तीय संस्थाएं भारत को लेकर अपना आर्थिक विकास दर का जो अनुमान है उसको रिवाइज कर रही हैं। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड ADB और RBI के बाद अब रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी भारत की आर्थिक तरक्की की रफ्तार पहले के मुकाबले कम रहने का अनुमान जताया है। पहले बात करते हैं मूडीज के सर्वे की, जो कि ताज़ा है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने गुरुवार 26 मई को जारी अपने अनुमान में कहा कि कैलेंडर ईयर 2022 में भारत की आर्थिक तरक्की की रफ्तार 8.8% रह सकती है। इसके पहले मूडीज ने ये नहीं कहा था, इसके पहले कहा था कि आर्थिक विकास दर 9.1 रहेगी, यानी डाउनग्रेड किया। कल हमने आपको सुर्खी में भी ये बताया था। अब मूडीज ने अनुमान रिवाइज करने का कारण बताते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था पर अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ चोट पहुँचाएगी तो वो है महंगाई। मूडीज के मुताबिक कच्चे तेल, खाने पीने की चीज़ों और फर्टिलाइज़र की आसमान छूती कीमतें जो हैं लोगों का बजट बिगाड़ेंगी और सरकार के खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। इससे अर्थव्यवस्था के पहिए का बैलेंस गड़बड़ा सकता है। अब वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद, थोड़ा सा कठिन है ना, GDP छोटे में हम लोग कहते हैं, के विकास के अनुमान को 8.7% से घटा के 8% कर दिया है। लगभग 70 बेसिस पॉइंट काटा है। बैंक ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध और बढ़ती महंगाई के चलते भारत की आर्थिक तरक्की की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। अब रुख करेंगे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF का। उन्होंने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में भारत की GDP की वृद्धि दर को 9% से घटाकर 8.2% कर दिया। IMF का भी मानना है कि महंगाई के चलते लोग कम खरीदारी करेंगे, खर्च कम करेंगे, खपत कम होगी और देश में निवेश कम होगा। अप्रैल में RBI ने भी अपना ग्रोथ का अनुमान रिवाइज किया था। RBI ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में यह अनुमान जताया था कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 7.2% रहेगी। इसके पहले RBI ने क्या कहा था, 7.8% मैं कभी कभी हिंदी और कभी कभी अंग्रेजी बोल दे रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। अब आपको बता दें कि अप्रैल में रिटेल इन्फ्लेशन, जो खुदरा महंगाई है, 8 साल में सबसे ज्यादा स्तर पे पहुंच चुकी है, जबकि इस दौरान थोक महंगाई दर 15.08% के रिकॉर्ड पर है। अब 26 मई की बात करते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैदराबाद में इंडियन बिजनेस स्कूल को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में कहा कि भारत G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत ने स्टार्टअप्स के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए अच्छा माहौल बनाया है। PM ने यह भी कहा कि पिछले साल देश में रिकॉर्ड मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है, लेकिन यहाँ पर विसंगतियाँ भी हैं। विसंगतियाँ ये हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो इस विसंगति का मतलब क्या है, PM का बयान है और उससे अलग तस्वीर पेश कर रही तमाम एजेंसियाँ हैं। हमने एक्सपर्ट से पूछा कि बात कहाँ अटक जाती है, आप भी सुनिए। बिल्कुल, ये बात तो है ही कि जो ग्रोथ रेट है, डिफरेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग मूडी जो है वो कम कर रही है इंडिया के GDP की, और ये स्वाभाविक भी है कि उसमें ये जो ग्रोथ रेट है 2022 की, उसमें बताया गया है कि जो 9.1 सी जगह मूडी ने जो है वो 8.8% जो है वो कम कर दी है 2022 के लिए, जबकि 2023 के लिए जो है अभी भी वो 5.4% ग्रोथ रेट रख रहे हैं, जो कि लोअर ही है, लेकिन ये जरूर है कि 2022 में ग्रोथ रेट कम। स्पेसिफिकली उसमें तीन रीज़न हैं जिसमें हम पहले भी बात करते रहे हैं। एक रीज़न तो यही है कि जो यूक्रेन और रशिया का जो क्राइसिस बना हुआ है वो बहुत बड़ा रीज़न है, जिस कारण से जो फूड और जो फ्यूल के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं और उसका इन्फ्लेशन पे बहुत हायर लेवल पे इम्पैक्ट हो रहा है, जिसमें हम डेवलप कंट्रीज में भी देख रहे हैं, अमेरिका में, इवन UK में, और इंक्लूडिंग साउथ एशियन कंट्रीज में भी, और इंडिया भी उसमें अछूता नहीं है।
तो इस इन्फ्लेशन रेट के कारण ऑब्वियस है कि कई इकोनॉमिक्स कह ही रहे हैं कि स्टैगफ्लेशन की स्थिति बन गई है, जिसमें कि जीडीपी ग्रोथ रेट कम है और इन्फ्लेशन जो है हायर लेवल पे है। तो एक तो यही कारण है कि जो रशिया और जो यूएस जो और जो यूक्रेन का क्राइसिस है उसने ये कारण बनाए हैं जो डाउनग्रेड कर रहे हैं प्रोजेक्शन का जीडीपी का। दूसरा जो कारण है वो ये है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग की बात हो रही है, जिसमें ग्लोबल लेवल पे जो है सेंट्रल बैंक जो है अब इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें ये लगता है कि जितना हम मौद्रिक नीति को टाइट रखेंगे, मतलब कि ब्याज की दरों को ज्यादा रखेंगे, उससे हम मुद्रा की पूर्ति को या मनी ग्रोथ को हम कम कर पाएंगे और उससे जो प्राइसेज हायर लेवल हो रखे हैं, चाहे वो इंडिया की बात है, चाहे वो साउथ एशिया की बात है इंक्लूडिंग पाकिस्तान या श्रीलंका, चाहे वो विकसित देशों की बात है अमेरिका या इंग्लैंड, तो वो उस टाइटनिंग से जो है वो ऐसा लग रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट का जो माहौल है उस पर डेंट है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो जाहिर सी बात है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जो है डाउनफॉल होने के काफी चांसेस हैं, इस कारण से डाउनग्रेड कर रहे हैं वो। और तीसरा जो कारण बोला जा रहा है वो है चाइनीज इकोनॉमी का, वो कहीं ना कहीं अभी लॉकडाउन हुआ है COVID-19 में और वहां से भी अभी भी जो सप्लाई बॉटल नेक है या जो ग्लोबल जो वैल्यू चेन है वो इफेक्ट हो रही है, जिसमें पहले हम बात करते रहे हैं कि जो कंटेनर है या जो चिप है जिसको हम ये कह रहे थे कि सेमीकंडक्टर, उसकी सप्लाई जो है कम हुई है और उसने सप्लाई एक ग्लोबल लेवल पे कम की है और जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट जो है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट पे भी फोकास्टेड रहा है। तो नटसेल में कहें तीनों रीजन है, यूक्रेन रशिया का क्राइसिस, जो मॉनेटरी टाइटनिंग अप है और प्लस जो चाइनीज इकोनॉमी का जिस तरह से अभी कोविड को कंटेन करने के लिए अपने उनके लॉकडाउन का मेजर्स है। अब आइए जानते हैं कि आरबीआई क्या रास्ता अपना सकता है, महंगाई को घटाने के लिए केंद्रीय बैंक का क्या प्लान है। इस बारे में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में इस पर विस्तार से बातचीत की। ईटी की खबर के मुताबिक शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई देश की अर्थव्यवस्था और ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए महंगाई पर काबू पाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी महंगाई को काबू में रखने के लिए ब्याज दरें बढ़ाएगी, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखेगी कि ये मार्केट को बड़ा झटका ना दें। यानी आरबीआई महंगाई को काबू करने में उन सब बातों का ध्यान रखेगा जिससे देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर न जाए। उन्होंने कहा कि हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि ऐसी स्थिति ना आए कि ऑपरेशन तो सफल हो जाए लेकिन मरीज की मौत हो जाए, यानी महंगाई तो कंट्रोल कर ले गए लेकिन उपभोक्ता की हालत ही खराब हो गई है ना। अब उन्होंने आगे कहा कि एकाध बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी तो हो सकती है लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहे। कहा कि सरकार भी महंगाई को काबू में करने के लिए कई रास्ते अपना रही है। कहा कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटाया है और गेहूं समेत अन्य कमोडिटीज़ के एक्सपोर्ट पर पाबंदियां लगाई हैं, इससे महंगाई कुछ कम होने की संभावना है। इस बारे में वो लोग क्या कहते हैं जिनका सब कुछ इसी पढ़ाई लिखाई के इर्द गिर्द घूमता रहता है, यानी हमारे एक्सपर्ट क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। ये तो हम पहले भी बात करते रहे हैं कि आरबीआई का तो यही मानना है कि और उन्होंने अभी एक इंटरव्यू भी दिया है जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और वो ये कह रहे हैं कि हमें देखिए बीमारी मारनी है जो इन्फ्लेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो उसके साथ हम ये नहीं कर सकते हैं कि जब उसको मारें इन्फ्लेशन को तो हमारी ग्रोथ रेट जिसको कह रहे हैं कि आदमी का शरीर ही खत्म हो जाए और डेड हो जाए, तो उस पर वो चिंता कर रहे हैं। तो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए दोनों का बैलेंस करना पड़ेगा कि आप इन्फ्लेशन भी कंट्रोल कर रही है, जो मुद्रा स्फीति बढ़ी हुई है हिंदुस्तान में, जिसमें हम पहले बात करते रहे हैं कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग जो है हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन रेट 15% को क्रॉस कर गया है अप्रैल में, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो रिटेल इन्फ्लेशन रेट है वो 7.8% है। तो दोनों ही हायर इन्फ्लेशन रेट है और उसमें शक्तिकांत दास ये कह रहे हैं कि इसलिए हमने रेपो रेट जो है 4% से बजाय जो है वो 4.5% जो है वो इंक्रीज किया है 4 मई को। और उसी में ये बात आ रही है कि उनसे पूछा भी जा रहा है कि क्या आप 5.15% रेपो रेट तो नहीं कर रहे हैं
जिससे कि हमें और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने का चांसेज है यहाँ पे, और इस कारण से जो क्रेडिट फ्लो है चाहे वो इन्वेस्टर्स के लिए है या कंज्यूमर्स के लिए है, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा और उससे कहीं ना कहीं कंज्यूमर एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा और कहीं ना कहीं ग्रोथ रेट जो है वो इफेक्ट होगी जो ऑलरेडी मूडी या इस तरह की एजेंसी जो है वो काम कर रही है। तो उनका कहना है कि नहीं नहीं हमें दोनों तरफ हमें ध्यान देना है, तो और उसमें कमिट नहीं कर रहे हैं अभी कि 5.15% हम करेंगे, इसलिए वो ये इस तरफ बात कर रहे हैं कि देखिए अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उस जून 6 से लेकर 8 तारीख के बीच में उसमें वो रिपोर्ट आने वाली है, उसमें पता लगेगा कि वो इन्फ्लेशन फोरकास्ट कितना कर रहे हैं। यदि इन्फ्लेशन फोरकास्ट वो ज़्यादा कर रहे हैं कि मान लीजिए वो 8%, जिसको हम 7.8% कह रहे हैं, उससे ज़्यादा यदि वो दिख रहा है तो फिर वो इशारा कर रहे हैं कि आपको दिखेगा कि जो रेपो रेट है वो इंक्रीज करेगी आरबीआई। लेकिन यदि मान लीजिए उसमें थोड़ा डाउनफॉल दिखता है तो फिर वो हो सकता है रेपो रेट को उतना इंक्रीज नहीं करें। लेकिन जहां तक आप मेरे से पूछना चाहें अर्थशास्त्री के रूप में, तो मुझे लगता है अभी इन्फ्लेशन रेट हाई है और हाई रहने के चांसेस हैं जितना मुझे मैं फोरकास्ट कर सकता हूँ। क्योंकि आप देखिए कि अभी भी होलसेल प्राइस इंडेक्स इंडिया में 15% है, और होलसेल प्राइस इंडेक्स जो वो इनपुट प्राइसेस पर रिफ्लेक्ट करता है, तो जब इनपुट प्राइसेस हायर होते हैं जो तो आउटपुट प्राइसेस है मतलब जो उपभोक्ताओं के लिए जो कीमत है उसके हायर चांस होने के मतलब हायर होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और उसमें यदि ज्यादा वृद्धि होगी जिसको फोरकास्टेड हम कह रहे हैं तो रेपो रेट आने वाले दिनों में आपको ज्यादा दिखेगा। और दूसरा इंटरव्यू उन्होंने ये भी कहा कि और पूछा भी गया उनसे कि शक्तिकांत दास से कि आपको क्या लग रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक्शन किया है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, खासकर जो एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है पेट्रोल और डीजल पे, तो वो आपको एक पॉजिटिव इंपैक्ट स्टेप दिखता है? तो कह रहे हैं हाँ पॉजिटिव स्टेप दिखता है, लेकिन वो एक मेजर है जिसको हम फिस्कल मेजर कहते हैं, जिससे जो है कीमतों पे एक मतलब तरह से कहीं ना कहीं हम प्रभाव होगा और कम होगी, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि बहुत इन्फ्लेशन रेट को हम जो आरबीआई का जो वो है बेंचमार्क है 2% से लेकर 6% के बीच में उतने में रहेगा, क्योंकि 6% से बाउंस कर चुका है वो, अब 8% है, 2% ज्यादा है, तो यदि वो ज्यादा रहेगी तो उनका कहना है कि हम हो सकता है आने वाले दिनों में रेपो रेट को करें, लेकिन वो कमिट नहीं किया उन्होंने कि 5.15% होगा, लेकिन मैं ये फोरकास्ट जरूर कर सकता हूँ या मेरे से इकोनॉमिक्स की आने वाले दिनों में रेपो रेट बढ़ेगा, क्योंकि अभी ग्लोबल लेवल पे ज्यादातर सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्टिव मानते हैं इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए, और हमारे जैसे इकोनॉमिक्स बार बार ये कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी एक मेजर हो सकता है रेपो रेट के रूप में या इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के, लेकिन गवर्नमेंट को और एक्शन करने पड़ेंगे, और उसमें मैं जरूर कहूंगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है इंडिया की उनको कहीं ना कहीं अब वैट को कम करना पड़ेगा डीजल पे पेट्रोल पे, जिससे कि आम लोगों को राहत हो पाए और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को इंडिया में कंटेन कर पाए। यानी बात साफ है, कोरोना के पहले से बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी बेपटरी रही थीं, लेकिन बहुत सारे फैक्टर थे, इनसे ये पूरा सिस्टम ये तंत्र जो है बनता बसता है, लेकिन आसपास और वर्तमान में बहुत सारे घटनाक्रम हैं, जो तेल के दाम में जो इन्फ्लेशन है और युद्ध जो हो रहा है, रूस ने यूक्रेन पर जो हमला किया है, वैश्विक रणनीतियाँ हैं, तमाम उलटबासियाँ जो हैं उन सब के बीच से भी दिक्कत उपज रही है, लेकिन इन सब के बीच से ही हमारी और आपकी राहत का रास्ता निकलना चाहिए ताकि हम बचे रहें और हमारी अर्थव्यवस्था बची रहे। बड़ी खबर हो गई, अब चलते चलते जान लेते हैं जरूरी सुर्खियां। पहली सुर्खी गाड़ियों से जुड़ी है। सरकार ने सभी गाड़ियों के थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाने की घोषणा की है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया है। सरकार का ये आदेश 1 जून से लागू हो जाएगा, 3-4 दिन बाद से। इससे कार और दोपहिया वाहनों का बीमा थोड़ा सा महंगा होगा। मंत्रालय के रिवाइज रेट्स के मुताबिक 1000 सीसी क्षमता इंजन वाली प्राइवेट कारों के लिए प्रीमियम 2094 रुपये होगा, जो पहले 2072 रुपये था। इसी प्रकार 1000 से 1500 सीसी अगर इंजन की बात करें, मालिकों को अब 3221 रुपये के बजाय 3416 रुपये प्रीमियम देना होगा। हालांकि 1500 से अधिक सीसी की निजी कारों के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में मामूली कमी हुई है। ये 7897 था, अब घटकर 7899
₹90 हो गया है, ₹7 कम हो गया। अब इससे पहले 2019-20 में थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के रेट्स को रिवाइज किया गया था। कोरोना काल में भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी इसे बढ़ाने की घोषणा की गई। दूसरी सुर्खी पर चलते हैं, क्रेडिट कार्ड वालों के लिए। रखते हैं, बिल भरते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, नहीं होते हैं, तब भी ये खबर आपके लिए है। इसके तहत RBI ने क्रेडिट कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। जो नया नियम आया है, अब वे अपनी सुविधा अनुसार क्रेडिट कार्ड के बिलिंग साइकिल का चुनाव कर सकेंगे। उन्हें एक बार ही इसमें बदलाव का मौका मिलेगा। नया नियम 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। अब तक जिस तारीख को क्रेडिट कार्ड जारी होता है, उसी के अनुसार बिलिंग साइकिलिंग भी बैंक निर्धारित कर रहे हैं। इससे पहले RBI ने बैंकों को ग्राहकों की मंजूरी के बिना क्रेडिट कार्ड जारी करने या मौजूदा कार्ड की सीमा बढ़ाने पर रोक लगा दिया था। अब इसका पालन नहीं करने वाले बैंकों को डबल पेनाल्टी चुकानी होगी। सेंट्रल बैंक ने RBI ने कहा है कि जिस व्यक्ति के नाम से कार्ड जारी किया जाता है, वो RBI ओम्बुड्समैन से शिकायत कर सकता है। तो ये था आज का खर्चा पानी। हमारे साथी हैं प्रदीप, बहुत मन से, बहुत लग के सुबह की मीटिंग में आते हैं, पूरा जुट के खबर डिस्कस करते हैं, लिखते हैं। बताइए प्रदीप जी ने कैसा लिखा, कैसा कहा, कैसी बात लगी आपको, सब कुछ बताइए। अब मिलेंगे सोमवार को, छुट्टी है 2 दिन की, वीकेंड काटेंगे। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कुछ देखते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ और देखना चाहते हैं, हमसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं, सब कुछ के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, लिख डालिए, हम पढ़ेंगे। गुड नाइट।